यूडीएस ने पिछली सरकार के समय शूटिंग रेंज, बीआरटीएस और रिंग रोड जैसे अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन प्रदेश में बीजेपी सरकार के आते ही सभी प्रोजेक्ट्स अधर झूल में लटक गए। जेडीए को इन प्रोजेक्ट को पूरा करने और विकास योजनाओं को शुरू करने के लिए 22,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जबकि जेडीए के धन कोष में इन प्रोजेक्ट्स के लिए महज 1,000 करोड़ रुपए ही बचे हैं। ऐसे में इन सभी प्रोजेक्ट के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। शूटिंग रेंज का काम रुकने की कोई बात नहीं, उसमें कुछ जो लीगल पेचीदगियां हैं और साथ साथ उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जिसको सेल्फ सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल जिसको कहते हैं कि आप वहाँ पे आप अगर आप शूटिंग रेंज चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक रेवेन्यू जनरेशन का भी सोर्स होना चाहिए, वहाँ क्लब हाउस होना चाहिए, जो कुछ टाइम लगता है। पीपीपी मोड में आएंगे आप, बिल्ड करेंगे उसको, यू आर वर्किंग ऑन इट, उसका एक नाला वगैरह बना के उसमें जो रिक्वायरमेंट है जो पानी निकालने वगैरह की वो भी हो गई है। इसमें एम्पावर्ड कमेटी ने भी इसमें देखभाल की है और इसको जो भी धीमी गति हुई है इसकी, इसको हम लोग एक्सपेडाइट करेंगे ताकि ये काम जल्दी से जल्दी हो सके। पिछले कई साल से बड़ी नीलामी नहीं होने की वजह से जेडीए की माली हालत खस्ता बनी हुई है। आर्थिक संकट के चलते जेडीए ने अब शूटिंग रेंज, रिंग रोड और अफोर्डेबल हाउस स्कीम के कार्य को रोक दिया है। बीआरटीएस का कार्य भी धीमी गति से चल रहा है। जेडीसी का कहना है कि धन आएगा तो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स भी पूरे होंगे। बजट जो है जेडीए का लगभग 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का हर साल का होता है, और ये बात सच है कि कैश की दृष्टि से अगर आज देखा जाए तो जेडीए के पास बहुत अधिक राशि नहीं है, लेकिन हम लोग दोनों तरह से कोशिश कर रहे हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की भी कोशिश की जा रही है, काफ़ी सारा पेंडिंग अमाउंट काफ़ी सारे लोगों के नाम पे जिसको हम लोग एक्सपेडाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कीम का पैसा हमें आना है, उसको लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर पर भी डिसिप्लिन करने की कोशिश की जा रही है कि जो अनावश्यक टाइप की वर्क्स हैं, जिसको कई कई साल सैंक्शंस हो गए हैं, जिसको काम ही नहीं हो पाता है मौके पे, ऐसे कामों को भी केवल आर्टिफिशियली केवल पैसे पे कागज पे लाइव रख के उसकी कमिटेड लाइबिलिटी के रूप में उसको नहीं दिखाया जाए। और हमें विश्वास है कि पैसा हम लोग मोबिलाइज करके शहर के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सत्ता में आते ही भाजपा सरकार को जेडीए का खजाना खाली मिला है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में शहर के विकास के कई वादे किए हैं। इनमें ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाना, बीआरटीएस व्यवस्था को दुरुस्त करना, शहर को एक्सपोर्ट हाउस के रूप में विकसित करना जैसे कार्य हैं। जबकि पिछले अधूरे पड़े हुए कार्यों को लेकर जेडीए पहले से ही बोझ तले दबा हुआ है। ऐसे में नए प्रोजेक्ट्स ने भी जेडीए के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है। यादवेंद्र शर्मा, हैदवे न्यूज, जयपुर।